हेलो फ्रेंड्स, आपके बच्चे भी अगर टेबल्स इजीली लर्न नहीं कर पाते, बार बार भूल जाते हैं, तो उनके लिए भी आप ऐसा चार्ट बना सकते हैं। मैंने कैलेंडर के पीछे का बैक साइड का एक लिया है पेज, ब्लैंक पेज जो जैसे होता है घर पे, ऐसे ही पड़ा होता है, हमारे वेस्ट होता है वो, उसको हमने यूज में लगाया है। आप एक ब्लैक स्केच पेन ले सकते हैं और उसे बड़े बड़े लेटर्स में या बड़े बड़े नंबर्स में आप टेबल्स लिख सकते हैं, जिससे बच्चे, अगर हम इसको वॉल पे लगाते हैं तो बच्चे इजीली इसे देख सके, उनके आंखों के सामने रहता है, तो बच्चे जल्दी से टेबल्स लर्न कर पाते हैं। मैंने 2 का और 3 का टेबल लिखा है और मैं 4 का भी टेबल लिखने वाली हूँ। हमेशा याद रखे, टेबल्स जो भी नंबर्स जो भी कुछ आप लिखे, अगर आप बड़े बच्चे हैं आपके, तो स्क्वायर्स लिख रहे हैं या क्यूब का चार्ट बना रहे हो आप, तो वो बड़े साइज का बनाएं ताकि वो दूर से विजिबल हो और वो इजीली लर्न कर पाए, उनकी आंखों के सामने रहे तो वो उन्हें ध्यान में रहता है, वो भूलते नहीं है। मेरा 4 का टेबल लिख के कंप्लीट हो चुका है, फिर भी इधर एक्स्ट्रा स्पेस बचा है, मैं इसे कट कर देने वाली हूँ। नीचे भी स्पेस है, मैं इसे कट करने वाली हूँ। याद रखिए, आप हमेशा डार्क स्केच पेन का ही यूज करें, ताकि मतलब वो दूर से भी विजिबल रहे, और बड़े नंबर्स का यूज करें ताकि वो दूर से विजिबल रहे। मेरा ये कट करके रेडी है। आप इसे और अट्रैक्टिव भी बना सकते हैं, कुछ पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं, अगर ये स्कूल के प्रोजेक्ट के लिए है या स्कूल के चार्ट के लिए है, कुछ और ड्राइंग या बॉर्डर बना सकते हो आप। पर मेरी ये घर के लिए है और वन टाइम यूज, अभी एग्जाम खत्म हो जाएगा तो मैं इसे निकाल दूंगी, इसीलिए मैं इस पे ज्यादा खर्च नहीं कर रही हूँ, सिंपल ही रखा है मैंने। मेरा मेन एम है ताकि मेरा बच्चा जल्दी से जल्दी लर्न कर सके, इसीलिए उसके आंखों के सामने रहेगा उसके रूम में, इसीलिए मैंने ये चार्ट बनाया है। थैंक यू फ्रेंड्स ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और लाइक और शेयर करना ना भूले। थैंक यू फ्रेंड्स।